हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है करवा चौथ, तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही छोटा सा मिनी ब्लॉग, करवा चौथ ब्लॉग। इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं करवा चौथ में क्या क्या बनाया है एंड क्या क्या प्रसाद चढ़ता है एंड पूजा मैंने कैसे किया है एंड मेरा मेकअप लुक, तो एवरीथिंग आपको दिखेगा इस ब्लॉग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ सबसे पहले मैं बना रही हूँ खाना। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने दो टमाटर लिया है, इसे मैं चॉपर में फाइनली चॉप कर दूँगी। और मैं जो भी खाना बना रही हूँ वो बिना लहसुन और प्याज का बनाऊँगी, क्योंकि प्रसाद भी चढ़ता है और जब हम फास्ट तोड़ के खाते हैं तो बिना लहसुन और प्याज का ही खाते हैं। तो ये देखिए टमाटर बहुत ही अच्छे से फाइनली चॉप हो गया है। फिर मैंने यहाँ ले लिया है कढ़ाई, उसमें मैं डाल दूँगी 2 से 3 चम्मच ये देसी घी है। और थोड़ा ये गर्म हो जाएगा, इसके बाद मैं डालूँगी जीरा 1/4 चम्मच एंड 1 पिंच डाल दूंगी हींग। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च और अदरक कुटी हुई, इसे मैंने पीसा नहीं है, कूट के डाल रही हूँ। कूट के डालने से ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो मैं इसे ऑयल में ही डाल दूंगी। इसका थोड़ा सा जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा और इसे मैं 1 मिनट के लिए इसमें पका लूँगी। इसके बाद मैं इसमें मसाले डालूंगी, तो रेड चिली पाउडर एंड हल्दी पाउडर डालूंगी, जिससे इसका सब्जी का कलर जो है ना वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो 1 चम्मच भर के डाला है मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1/2 चम्मच डाला है रेड चिली पाउडर एंड 1/2 चम्मच डाला है मैंने हल्दी पाउडर। एंड इसके बाद तुरंत ही मैं ऐड कर दूंगी वो टमाटर जो मैंने चॉप किया था। और इसे अच्छे से मैं चला लूँगी। इसके बाद मैं डाल दूंगी नमक। हमेशा की तरह जब मैं टमाटर या प्याज डालती हूँ तो नमक डालती हूँ, जिससे कि बहुत जल्दी गल जाएगा। तो स्वाद अनुसार मैंने डाल दिया है यहाँ नमक। और अब मैं इसमें मसाले ऐड करना शुरू करूँगी। तो ये 1/2 चम्मच है जीरा का पाउडर, 1 चम्मच है धनिया पाउडर एंड 1/4 चम्मच मैंने लिया हुआ है ये काली मिर्च का पाउडर। और इन सब मसालों को मैं एक साथ डाल के चला लूँगी और इसे 10 मिनट के लिए पका लूँगी ढक के। तो ये देखिए 10 मिनट हो गया है, मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से पक गया है। और अब इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ गरम मसाला 1/2 चम्मच और 1/2 स्पून ही मैं डाल रही हूँ ये कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी से जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी आलू। तो ये 5 से 6 आलू है, इसे मैंने काटा नहीं है, इसे हाथों से ना अच्छे से ऐसे थोड़ा सा हाथों से ही मैश कर दिया है, इसे काटा नहीं है। तो थोड़ा सा ना ये हलवाई स्टाइल आता है और खाने में काफ़ी अच्छा लगता है, लगता है कि हम बाज़ार वाली सब्ज़ी खा रहे हैं। तो इसको डाल के भी मैं 1 मिनट के लिए पका लूँगी। और 1 मिनट के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1 गिलास भर के पानी। तो पानी आप अपने अनुसार ज़्यादा या कम डाल सकते हैं, आपको राइस के साथ खाना है, पूड़ी के साथ खाना है, मैंने 1 गिलास डाला है। और पानी डालने के बाद इसे 10 मिनट के लिए ढक के मैं पका लूँगी और हमारी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनके रेडी हो जाएगी। इसे बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बहुत कम टाइम में और बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी लगती है। तो इसे मैं ढक दिया है और ये देखिए 10 मिनट हो गया है और हमारी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। और आप देख रहे होंगे कि इसका कलर बहुत ही यम्मी लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो बन गई है हमारी आलू टमाटर की सब्ज़ी। और लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ कोरिएंडर लीव। तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही जल्दी बन जाती है ये। तो चलते हैं दूसरा आइटम बनाने। तो यहाँ मैंने ले लिया है चना की दाल एंड ये है उड़द की दाल। मैं यहाँ फरा बना रही हूँ, इसे गोझा भी कहते हैं। तो इसे मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया था और अब मैं इसे करूँगी ग्राइंड। तो मैंने मिक्सी का जार ले लिया है और दोनों को एक साथ ही मैं पीसूंगी, अलग अलग पीसने की नीड नहीं है। बहुत लोग सिर्फ चना की दाल की ही गोझा बनाते हैं, बहुत लोग उड़द की ही दाल की, बट मैं मिला के बनाती हूँ। और ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गया है तो इसे एक प्लेट में मैं निकाल दूंगी। और अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी कुछ। तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1 हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा है 1 इंच, उसे मैंने अच्छे से कूट लिया है तो इसमें डाल दूंगी मैं। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसमें रेड चिली पाउडर 1/4 चम्मच एंड हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच
एंड ब्लैक पेपर पाउडर है एक पिंच, और एक चौथाई चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा पाउडर। और अब मैं इसमें डालूँगी नमक स्वाद अनुसार, और इसमें मैं अब डाल रही हूँ एक पिंच हींग। तो हींग ज़रूर से डालेगा क्योंकि इसमें उड़द की दाल है और चना की दाल है। और इसे मैं अच्छे से मिला लूँगी और हमारा ये बैटर बन के रेडी हो जाएगा। और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोरिएंडर लीव, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। इसके बाद मैं इसका आटा लगा लूँगी। तो यहाँ मैंने लिया है एक कटोरी गेहूँ का आटा और आधा कटोरी चावल का आटा, तो ये मेज़रमेंट होना चाहिए। और अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप इसका डबल कर दीजिएगा। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, और इन सबको मैं अच्छे से मिला लूँगी। तो जो ये फरा है वो चावल के आटे के साथ ही बनता है और गेहूं के आटे के साथ मिला के बनता है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। और ये अच्छे से मिल गया है, जिसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसका बहुत ही एक अच्छा सा आटा गूँथ लूँगी, जैसे आप पूड़ी का आटा गूँथते हैं, ना ही ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा सॉफ्ट, एक मीडियम आटा मैं इसका गूँथ लूँगी। तो इसके बाद आपको एक काम करना है, एक बड़ा सा बर्तन लेना है, मतलब इसका जिसका चौड़ा मुंह हो, और मेरे पास ये भगोना है बस का चौड़ा मुंह है, तो मैंने इसमें आधा भर के पानी ले लिया है। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल एंड नमक। तो हम लोग गोझा इसी में बनाते हैं, पानी में ही डाल के बनता है, आप लोग कैसे बनाते हो मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए अब यहाँ पर मैं गोझा बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं लोइया कर लूँगी एक सेम साइज का। तो यहाँ पे आप इस तरीके से समझ लीजिए जैसे आप गुजिया बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ इसको बनाना है। तो पूड़ी के बराबर मैंने ले लिया है लोइया, और इसे मैं अच्छे से बेल लूँगी। यहाँ मैं परथन का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आटे का यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये देखिए पूड़ी के साइज का मैंने बेल लिया है, और ये ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला, मीडियम साइज का होना चाहिए ये, बाकी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है बाद में। इसके बाद मैं इसमें जो स्टफिंग मैंने बनाया है उसे ऐड कर दूंगी एक स्पून। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा अगर आप बना रहे हैं, क्योंकि फटने का भी डर रहता है। तो मैंने एक स्पून डाला है, और इस तरीके से इसे मैं चिपकाती जाऊँगी, और ये बहुत अच्छे से चिपक जाता है, किसी भी चीज़ पानी किसी भी चीज़ की नीड नहीं होती है। तो ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल गुजिया। तो इसी तरीके से मैं दूसरा भी बना लूँगी। ऐसे मैंने लोइया ले लिया है पूड़ी के साइज का, और इसे हल्के हाथों से बेल लूँगी, और इसमें बस स्टफिंग डाल के मैं इसे गुजिए के साइज का बना लूँगी, जैसे आप गुजिया बनाते हैं। बहुत लोग इसे मोटा भी बना देते हैं तो वो खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो मेक श्योर कि आपका जो ये पूड़ी जैसा ही होना चाहिए, पतला होना चाहिए, ताकि बाद में जब आप खाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है गोझा। और इसे इस तरीके से मैं देखिए ऐसे इसको चिपका रही हूँ। तो दूसरा भी मैं बना के आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे बनाया है। तो देखिए बन के बिल्कुल रेडी हो गया है ये। और इधर हमारा जो पानी है वो भी गर्म हो गया है, तो यहाँ जो पानी है वो खौलता हुआ होना चाहिए। इसके बाद मैं एक एक करके सारा इसमें डाल दूंगी ये, और डालने के बाद जो फ्लेम है वो मीडियम होना चाहिए। तेज आंच पे अगर आप इसको बनाएंगे तो ये नीचे से जलने लगेगा और पकेगा नहीं, तो जो आपका फ्लेम है वो लो होना चाहिए। और मैंने सब डाल दिया है इसमें, और इसे ढक के मैं 10 मिनट के लिए पका लूँगी। एंड बीच बीच में आपको इसे चेक करना है कि ये नीचे से चिपक तो नहीं रहा है, कई बार ये नीचे से चिपकने लगता है। तो इस तरीके से कलछल से मैं देखिए नीचे से भी इसको घुमा घुमा के उठा रही हूँ कि नीचे से ये पकड़ेगा नहीं। और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, हम लोग को तो बहुत पसंद है, और इसे हम ब्रेकफास्ट में भी बनाते हैं। इसको जब बनाने के बाद हम काट के इसे फ्राई करते हैं तो ये चाय पे भी बहुत अच्छी लगती है। और अगर आपने इसे नहीं खाया है, आपने नहीं बनाया है, तो एक बार आप ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए जो हमारा फरा है वो कैसे ऊपर आ गया है, और इसे टच करके आप फील कर सकते हैं कि ये पका है कि नहीं। तो अभी ये नहीं पका है, 10 मिनट में इसे और पकाऊंगी। तो ये देखिए हमारा जो फरा है वो बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब मैं इसे निकाल रही हूँ एक प्लेट में,
और करवा चौथ में हमारे यहाँ ये ज़रूर से चढ़ता है प्रसाद के रूप में, तो इसे हम ज़रूर बनाते हैं। और एक प्लेट में मैंने निकाल दिया है, इसे ठंडा होने देंगे। तो चलिए अब बनाती हैं दूसरा आइटम। तो यहाँ मैं बना रही हूँ खीर। तो खीर तो भगवान को चढ़ता ही है, तो यहाँ मैंने एक स्पून डाल दिया है देसी घी एंड कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है। आप अपने मनपसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इसके बाद मैं साथ ही में डाल दी हूँ 2 स्पून भर के ये राइस। तो मैं जब भी खीर बनाती हूँ तो राइस को पहले भिगो लेती हूँ 10 मिनट के लिए, उसके बाद ही बनाती हूँ। तो ये रोस्ट हो गया है, इसे निकाल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने 2 स्पून ये मिल्क पाउडर लिया है एंड इसमें मैं डाल दूँगी दूध। यहाँ पे गरम दूध डालना है और इसमें मैं ऐड कर दूँगी ये केसर। तो ये वाला जो पार्ट है ना, आप स्किप मत करिएगा, इसको ज़रूर से डालिएगा। 2 स्पून मिल्क पाउडर एंड गरम दूध डाल दीजिएगा और इसके बाद ये केसर से जो खीर है ना वो काफ़ी यम्मी लगता है। और यहाँ हमारा जो दूध है वो थोड़ा बॉयल्ड हो गया है, ये 1/2 किलो से थोड़ा ज़्यादा दूध है। तो इसमें मैं अब डाल दूंगी ये रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स एंड राइस और इसे लो फ्लेम पे चलाते हुए आपको 10 मिनट के लिए पका लेना है। और बीच बीच में आप इसे चलाते रहिए और खीर जो है वो हमारी बहुत यम्मी बनती है। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट के बाद जो मिल्क है वो काफ़ी रिड्यूस हो गया है एंड राइस भी यहाँ ऑलमोस्ट पक गया है। तो इस स्टेज पे मैं डाल दूँगी ये केसर वाला दूध जो मैंने बनाया था, मिल्क पाउडर एंड इसमें केसर डाला था। तो इसको डाल के मैं अच्छे से चला लूँगी और इसके बाद मैं डाल दूँगी चीनी। तो चीनी मैं हमेशा लास्ट में ही डालती हूँ, तो स्वाद अनुसार आप चीनी डाल दीजिए, जितना आपको मीठा पसंद है कम पसंद है। और इसे मैं 10 मिनट के लिए थोड़ा और पका लूँगी और हमारा जो यम्मी खीर है वो बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा एंड भगवान के भोग के लिए भी रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए खीर बनके बिल्कुल रेडी हो गया है और बहुत ही स्वादिष्ट खीर बना है। तो ये रेसिपी भी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके बाद मैं बना लूँगी पूड़ी। तो पूड़ी मैं भगवान को भी चढ़ाऊँगी तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से बना रही हूँ पूड़ी और सब कुछ मेरा बन के रेडी हो गया है। करवा चौथ में आप लोग क्या क्या चढ़ाते हो भगवान को, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो यही सब चढ़ाती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पुलाव की भी तैयारी मैंने कर लिया था एंड इसमें जीरा एंड घी डाल के मैंने अच्छे से इसको भी चला लिया है। यहाँ पूड़ियाँ बन गई है, सब कुछ बन गया है। तो अब पूजा कर लेते हैं। तो अब टाइम हो गया था पूजा का और मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। तो ये है मेरा करवा चौथ लुक और मेरी ये ग्रीन कलर की साड़ी है एंड मेरा रेड कलर का ये चुनरी है, ये मेरी शादी वाली चुनरी है। तो जब भी हम पूजा करते हैं तो इस चुनरी को ज़रूर लेते हैं। और यहाँ मैं करने लगी हूँ पूजा। तो यहाँ मैं बना रही हूँ ये जिसमें मैं करवा रखूँगी, तो इसको हम ज़रूर बनाते हैं। और ये चावल के आटे और हल्दी डाल के और पानी डाल के मैंने इसका घोल बनाया है और इसके ऊपर ही हम करवा रखते हैं। और यहाँ मैं कूस लगा रही हूँ दोनों करवे के टोटी में। और सब जगह का पूजा जो है वो अलग अलग होता है और कहीं कुछ दूसरे तरीके से होता है, कहीं दूसरे तरीके से होता है, बट मैं कैसे करती हूँ वो मैं आपको आज दिखा रही हूँ। और पूजा तो हमारी जल्दी हो गई थी, 6 से 7 बजे का टाइम था तो पूजा हमने कर लिया था। इसके बाद बस चांद देखना था और चांद की पूजा बाकी थी। और यहाँ मैं करवा फेर रही हूँ दाएं से बाएं की तरफ 4 बार, इसी तरीके से करवा फेरा जाता है। और हो गई है हमारी पूजा सम्पन्न। तो चलिए आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल माई ब्यूटीफुल वुमेन। तो अभी मेरा पूजा हो गया है और अब मैं चांद की वेट कर रही हूँ, कब चांद आएगा और पूजा करूँगी, उसके बाद ही कुछ खाते हैं। तो आप लोगों का पूजा कैसा रहा मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अभी पूजा कर लेते हैं, इसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो चांद भगवान भी आ गए हैं, अब मैं उनकी पूजा कर रही हूँ, अर्घ दे रही हूँ। और यहाँ मैं कुछ आपके साथ पिक्स शेयर कर रही हूँ जो मैंने करवा चौथ पे प्यारी प्यारी पिक्स ली थी। और इसके बाद मैं काफ़ी थकान तो हो ही गई थी, इसके बाद मैंने सब चेंज वेंज करके और अब मैं आ गई थी खाना खाने। तो ये है करवा चौथ की स्पेशल थाली जिसमें है सब्जी, खीर, पूड़ी, पुलाव, फरा। तो ये सब चीज़ें मैंने आज आपके साथ शेयर भी किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।